रामनगरी अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा प्रारंभ हो गया है। जय उद्घोष के साथ लाखों की संख्या में श्रद्धालु परिक्रमा कर रहे हैं। हम आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे, देखिए किस प्रकार से लोग इस परिक्रमा को उठा रहे हैं और रास्तों में पड़ने वाले सभी चौराहे पर अन्य सभी स्थलों पर दर्शन पूजन धूप अगरबत्ती करते हुए आगे बढ़ रहे हैं नंगे पाँव चलकर। ये 14 कोसी परिक्रमा जो 42 किलोमीटर की यह परिक्रमा होती है, लोग नंगे पाँव इस परिक्रमा में शामिल हैं लोग और जय उद्घोष होता करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस बार की जो परिक्रमा है बेहद खास मानी जा रही है क्योंकि इस बार भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है और भव्य मंदिर निर्माण के साथ साथ दो वर्ष पूर्व जिस प्रकार से कोरोना काल के कारण लोग अयोध्या और मंदिर निर्माण के उत्साह से वंचित रहे उसके कारण इस बार परिक्रमा में शामिल होने के लिए लोग अपने उत्साह को लेकर इस परिक्रमा में शामिल हैं और भगवान श्री राम के झंडा लिए और उद्घोष के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। नंगे पांव चल रहे परिक्रमार्थियों लगातार भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की हर एक पग में याद कर रहे हैं और जिस और कहीं ना कहीं इस बार जो मंदिर का निर्माण है पूरे विश्व में एक अलख जगाने का निर्माण है और इसी के साथ लोग इसी भावना को लिए अयोध्या पहुँचे हैं। बड़ी संख्या में भीड़ है, लाखों की संख्या में अगर प्रशासनिक अधिकारियों के माने जाओ तो लगभग 10 लाख से अधिक लोग इस परिक्रमा में शामिल हैं और लगातार परिक्रमा की क्रम शुरू हो चुका है। 24 घंटे तक चलने वाली यह परिक्रमा अयोध्या के 42 किलोमीटर की परिधि में पूरी यात्रा करेंगे और कहीं ना कहीं इस बार की जो परिक्रमा रही है परिक्रमा बेहद खास मानी जा रही है और परिक्रमा को लेकर लोग यहाँ पर जय श्री राम के उद्घोष के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार जो परिक्रमा हो रहा है और परिक्रमा में जो शामिल है लगभग देश उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों के साथ साथ देश के तमाम राज्यों और वो लोग इसमें शामिल हैं जो कहीं ना कहीं भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण को लेकर भी अयोध्या आते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार की जो परिक्रमा हो रही है, देखिए आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है किस प्रकार से भगवान श्री राम के झंडे को हाथ में लिए उठाए हुए और जय श्री राम के उद्घोष के साथ युवा हो या वृद्ध सभी इस परिक्रमा में शामिल हैं और जय श्री राम के उद्घोष कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार की जो परिक्रमा है बेहद खास मानी जा रही है और इस परिक्रमा में लोग शामिल हैं परिक्रमा कर रहे हैं और जय उद्घोष कर रहे हैं और कहीं ना कहीं और हम कुछ लोगों से बातचीत करना चाहेंगे। आप परिक्रमा कर रहे हैं क्या करने कहेंगे आप जी? 14 कोसी परिक्रमा कर रहे हैं क्या मानते हैं आप? बहुत अच्छा है, अगली बार हम लोग नहीं कर पाए थे कोरोना महामारी की वजह से, इस बार परिक्रमा करते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है, इस बार परिक्रमा के माध्यम से उत्साह क्या दिख रहा है आपको? ये तो पूरे हिंदू समाज के लिए ही बहुत ही गौरव का विषय है कि आज भगवान श्री राम का मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद और उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार दोनों के प्रयास से ये भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, पूरे हिंदू समाज के लिए गौरव की बात है। तो ये हिंदू समाज के गौरव की बात है और आज जिस प्रकार से अयोध्या में मंदिर का निर्माण हो रहा है कहीं ना कहीं बेहद खास माना जा रहा है और इसी को लेकर जो है लाखों की तादाद में लगभग 10 लाख से अधिक के लोग इस परिक्रमा कर रहे हैं। आज 14 कोसी परिक्रमा हो रहा है तो वहीं दो दिन के बाद 5 कोसी परिक्रमा भी होगी, उसमें भी कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। हम आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे, देखिए यहाँ से परिक्रमा को शुरू करने के लिए लोग श्री राम की धरती से प्रणाम कर रहे हैं और इस परिक्रमा का प्रारंभ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार जो ये परिक्रमा है बेहद खास है और इस परिक्रमा को लेकर पूरे दुनिया से लोग अयोध्या पहुंचे हैं और लाखों की तादाद में लोग परिक्रमा कर रहे हैं। अयोध्या से सरकार प्रभात साक्षी के लिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।